वहीं जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से पुलिस ने ऑनर किलिंग मामले का खुलासा कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला रुद्रपुर कोतावली क्षेत्र के पहाड़गंज इलाके का है, जिसका सीओसीटी निहारिका तोमर ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बीती 24 फरवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पहाड़गंज निवासी शफी अहमद ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी है और हत्या को उन्होंने आत्महत्या दिखाकर बेटी का शव दफनाने के लिए अपने मूल निवास थाना रामपुर ले गए हैं। मामला की जानकारी मिलते ही रुद्रपुर कोतावली की पुलिस टीम तत्काल रामपुर के लिए रवाना हुई। रुद्रपुर पुलिस जब शफी अहमद के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि शव को कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और सीधे रुद्रपुर लेकर आई। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी माता पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें पता चला था कि एक नाबालिग लड़की का उसी के माता पिता द्वारा संदिग्ध हालात में हत्या कर दी गई। तो ये कुल दो अभियुक्त हैं, जो पिता हैं उनका नाम है शफी अहमद और जो माता हैं इसकी उसका नाम है खातून जहां। ये दोनों पहाड़गंज के निवासी और मूलतः गाँव बजावाला थाना अजीम नगर रामपुर के हैं। इनके द्वारा शक किया जा रहा था कि इनकी बेटी जो नाबालिग थी उसका प्रेम प्रसंग किसी आस पड़ोस के शादीशुदा व्यक्ति के साथ चल रहा था। तो इसी मैटर में गुस्से में रोष में आकर उनके द्वारा अपनी बेटी का दुपट्टे से गला दबाकर और हाथ से गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। जब हत्या को छुपाने के लिए सुबह सुबह इनके द्वारा शव को अपने मूल निवास है थाना अजीम नगर में, वहाँ पर ले जाकर इसको दफनाने की कोशिश कर रही थी। तो हमें जब भी सूचना प्राप्त हुई तो हमने तत्काल कार्रवाई करके इसको रोककर बॉडी को वापस लेकर आए थे लीगल एक्शन लेने के।